देखिए आज पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में कितने सदस्य होते हैं? तो त्रिकोणमिति में हमने पूछेगा कि कितने सदस्य होते हैं। तो त्रिकोणमिति में 6 सदस्य होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 6 होते हैं। ये सदस्य का नाम क्या क्या है? तो पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है कॉसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा है कॉट थीटा। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण। अब आ जाते हैं टैन थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। अब इसका उल्टा वाला फॉर्मूला है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो जब इसका उल्टा है तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे, तो नीचे वाला ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे कोण है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोण बटा लंब। कॉस थीटा है तो इसका उल्टा हो जाता है सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा का भी उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला है जो उसका उल्टा हो जाएगा, तो कोण बटा आधार। अब ये टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब। अब देखिए इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, लंबाई को एल लिख सकते हैं, कोण को के लिख सकते हैं, आधार को हम ए लिख सकते हैं, कोण को ए के लिख सकते हैं। ऐसे भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये कोण को के, लंब को एल, ये कोण को के, आधार को ए, आधार को ए, लंब को एल लिख सकते हैं। तो इसके एक ट्रिक है याद करने का सबसे, तो इसे हम याद रखेंगे लाल बट्टा काका, यानी कैसे इसका ट्रिक होता है लाल एल ए एल, लाल बट्टा काका। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला, ये हो जाएगा कॉस थीटा का फॉर्मूला, ये हो जाएगा टैन थीटा का फॉर्मूला। अब पूछिए कैसे, तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, यानी लंब बटा कोण, एल से हो जाएगा लंब, आइए के से हो जाएगा कोण, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कोण, ए से हो जाएगा हमारा आधार, के से हो जाएगा हमारा कोण। अब देखिए एल से हो गया टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी एल से लंब, ए से आधार। अब रह गया तीन गो सदस्य, तीन गो सदस्य कौन है, कॉसेक सेक और कॉट। तो साइन के उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक उल्टा इसको कर देंगे, तो कोण बटा लंब हो जाएगा। तब इसी पर हम बैठा के छह सदस्यों का मान निकाल सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और कोण किसे कहते हैं। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें बी समकोण है। अब ये कोण थीटा है, तो देखिए ये कोण थीटा है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा यहाँ से इधर आ रही है, यहाँ से उधर, सामने वाली ये भुजा है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, लंब। अब इसके सटे हुए नीचे वाली भुजा को क्या कहेंगे, आधार। अब देखिए सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यानी 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अब इसका अगला और फॉर्मूला होता है, तो इसका अगला फॉर्मूला के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।